नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं फिलवाड़ा से। फिलवाड़ा में नगरीय निकाय चुनाव निपटने के साथ ही अब सभापति की दौड़ को लेकर बाड़ाबंदी का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को अलग अलग जगह होटल व रिसोर्ट में कैद कर लिया है। कांग्रेस ने शहर के एक बड़े रिसोर्ट में अपने पार्षद प्रत्याशियों को रख बाड़ाबंदी की है, तो दूसरी तरफ भाजपा ने राजसमंद जिले के एक रिसोर्ट में अपने पार्षद प्रत्याशियों को रखा है। सूत्रों का दावा है कि भाजपा ने अपने पार्षद प्रत्याशियों को एकजुट रखने के लिए इस रिसोर्ट में रखा है। दोनों दलों के नेता भीलवाड़ा नगर परिषद में अपना बोर्ड बनने का दावा कर रहे हैं। अरे मना कर दियो, मैं तो बराबर थोड़ी बत्ती चाहूँ। आज सब पार्षदों ने गेट टुगेदर किया है, यहाँ सब मिलने जुलने आए हैं क्योंकि सभी ने थकान उतारी है, तो आज सब लोग एक दूसरे से मिलने के लिए यहाँ सभी ने अपनी ओर से गेट टुगेदर रखा है। उसमें हमारे को बुलाया, हम भी आए हैं, बाड़े बनने की हमारे कोई जरूरत नहीं है। कितने वार्ड में विजय लेंगे? हम 40 वार्ड में विजय होंगे। इसलिए तो हमारे तो है नहीं, बीजेपी के बाजी है, जो बीजेपी के वैसे खिलाफ है, जो भी आएगी वो हमारे साथ आएंगे। ये पहले भी जो प्लस का वो सब कमी हुआ उनका, इसलिए इसमें भी कमी होगा। ये भी नहीं बनाई कांग्रेस में, नहीं जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं, स्पष्ट बहुमत आएगा। पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान को लेकर शनिवार को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर से नर्सिंग कर्मियों ने जागरूकता रैली निकाली। रैली को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर शलभ शर्मा व अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः अस्पताल में पहुंची। रैली में शामिल नर्सिंग छात्राओं ने बैनर, तख्तियों व अन्य माध्यमों से आमजन को अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को रविवार को नजदीकी पोलियो बूथ पर अनिवार्य रूप से पोलियो की दवा पिलाने का आग्रह किया। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सीपी गोस्वामी ने कहा कि पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान 3 दिन तक चलाया जाएगा, जिसमें प्रथम दिन बूथ पर और दूसरे व तीसरे दिन घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जिसमें 3,68,573 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। पोलियो बूथ पर ले जाकर कार्यक्रम पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत इस रविवार को जन्म से 5 साल के सभी बच्चों को पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद पिलाई जाएगी। अभियान हमारा 3 दिन चलेगा। अभियान के पहले दिन हमारे पोलियो बूथ पर वैक्सीन पिलाई जाएगी और दूसरे और तीसरे दिन हमारे स्वास्थ्य कर्मी घर घर भ्रमण करके दस्तक देकर वंचित बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाएंगे। अभियान के तहत यह वैक्सीन हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भी पिलाई जाएगी। इसके लिए हमने स्वयंसेवी संगठनों से भी आग्रह किया है कि आप बढ़ चढ़कर इस अभियान की सहभागिता में अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। और अभियान के तहत हमारे अधिक जोखिम वाले जो क्षेत्र हैं, हमारे ईट भट्टे, घुमंतु परिवार जहां रहते हैं, जहां बच्चे हमारे माइग्रेटेड रहते हैं, वहां भी हमने सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार की 606 साइट्स है, यहां हम वैक्सीन बच्चों को पिलाएंगे। और अभियान के तहत जिले भर के 3 लाख से अधिक बच्चों को हम पोलियो वैक्सीन पिलाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर में स्थित गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उनके साथ ही अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ और पूर्व यूआईटी चेयरमैन अक्षय त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर उनके बताए मार्ग पर चलने की शपथ भी ली।
आज सभी शहीद दिवस है। गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से जो हमारे कलेक्टर साहब चेयरमैन है राजेश जी से संयोजक है, गांधी जी के जो बताए मार्गों पर चलना हमारे को सत्य अहिंसा तीन दुखों की सेवा देनी है, आज के दिन संकल्प लेना है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने भी आज वीसी ली और एस एन सुब्बा राव जी जो गांधीवादी है उन्होंने भी ऑनलाइन पे हमारे लिए संदेश दिया है और इसी के साथ हम आज के मौके पर गांधी जी को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उनके सिद्धांतों पे चलने का गांधी विचार एक जो दिया है वो अजर अमर है। गांधी जी का जो विश्व शांति के अंदर और देश के अंदर किसी ने कल्पना नहीं की थी कि गांधी भी एक चलता फिरता हार्ड मास का पुतला होगा आने वाले टाइम में, ऐसा एक आश्चर्यचकित करने वाला जो एक विश्व में राष्ट्रपिता के नाम से जो जाने जाते हैं उनके पद चिन्हों पर जितना चला जाए उतना कम है। आज के मौके पर मैं उन्हें नमन करता हूं, धन्यवाद जी। 1 फरवरी को आने वाले केंद्रीय बजट को लेकर औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा को क्या अपेक्षा है इसी को लेकर शहर वासियों से चर्चा की, जिसमें लोकवाणी से चर्चा करते हुए केंद्रीय बजट में काफी उम्मीदें जताई है। उन्होंने कपड़ा इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए उपयोगी सुझाव साझा करते हुए कहा सब्सिडी और इंसेंटिव देने से भीलवाड़ा में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इससे सरकार को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से आय होगी, इससे यहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। साथ ही उन्होंने सरकार से पेट्रोल व डीजल की दरें कम करने के टैक्स स्लैब हटाने की मांग की। भीलवाड़ा ट्रेड फेडरेशन के अध्यक्ष दामोदर जी अग्रवाल साहब से, जी सर केंद्र का बजट आने वाला है इसको लेकर आपको क्या उम्मीद है? अभी पिछला वर्ष कोरोना महामारी के कारण व्यापार और आर्थिक जगत के लिए बहुत नुकसानप्रद रहा है। अब 1 तारीख को जो बजट आ रहा है सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि वन कंट्री वन रेट पावर की होनी चाहिए ताकि पूरे देश में समान रूप से उद्योग विकसित हो सके। हम राजस्थान में बिजली की उच्च दरों के कारण बहुत बड़ी परेशानी में और हमारा उद्योग पिछड़ रहा है। दूसरा, मैं केंद्र सरकार से अपेक्षा करता हूं कि GST की विसंगतियों को दूर किया जाए। टेक्सटाइल में कपड़े पर 5% और रॉ मटेरियल पर 12% टैक्स होने के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट की बहुत बड़ी समस्या है, वो रिलीज नहीं हो पा रहा है, उसे भी रिलीज करें और सेम रेट इसकी हो ताकि ये प्रॉब्लम हो ही नहीं। तो मैं ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिवाइज करने की अपेक्षा भी करता हूँ। तीसरी बात, मैं अपेक्षा करता हूँ कि बहुत लोगों का टफ का अनुदान समय पर नहीं मिलता, तो इस बजट में टफ के अनुदान के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था हो। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम सोलर पावर को प्रमोट करना चाहते हैं 80% की जो कैपिंग है वो दूर होनी चाहिए, बशर्ते कि सरप्लस पावर जो सोलर से जनरेट होता है उसको सरकार खरीदने का पुख्ता प्रबंध करे और इसके जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कैपिटल सब्सिडी भी सरकार को देनी चाहिए ताकि सोलर पावर को बढ़ाया जा सके। इसी कड़ी में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि क्योंकि राजस्थान और भीलवाड़ा टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा हब है, इसलिए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत राजस्थान के टेक्सटाइल के समग्र विकास के लिए एक सब कमेटी का गठन होना चाहिए। इनकम टैक्स के लिहाज से भी अभी और इंडिविजुअल की और सीनियर सिटीजन की और कॉरपोरेट की टैक्स स्लैब को सुधारने की आवश्यकता है ताकि इनकम टैक्स की रेवेन्यू भी बढ़े और आम उपभोक्ता राहत महसूस करे। इस प्रकार की अपेक्षाओं के साथ भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल। भीलवाड़ा के अंदर कोरोना काल का एक बहुत बड़ा लॉकडाउन का समय रहा और इससे उद्योग जगत की कह सकते हैं कमर भी टूट गई है, उसके बाद अब उद्योग जगत कैसे उभरे इस पर इसके लिए क्या उम्मीद करते हैं आप केंद्र सरकार? केंद्र सरकार ने जो नियमों के तहत मजदूरों का भुगतान कराया, बैंकों के इंटरेस्ट का पेमेंट का भुगतान कराया, उसमें उनने उनको बीच में एक स्लॉट भी दिया कि भाई आप इसको डेफर कर दें, बैंकों ने डेफर भी किया, पर जब आपने उसको अनुदान के तौर पे 10-20% और वर्किंग कैपिटल दिए जाने की बात की तो उस 10-20% कैपिटल को बढ़ाने के बजाय उन्होंने अपने लोन्स के अगेंस्ट में एडजस्ट करके उसको लाभ नहीं पहुंचाया। तो हम केंद्र सरकार से चाहेंगे कि अब उस इंटरेस्ट को माफ़ करके और रिफंड कराने की कार्रवाई करें। लेबर पेमेंट में हमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है हमने दे दिया और उनने खर्च कर लिया, वो विषय नहीं रहेगा, पर कम से कम इंटरेस्ट 6 महीने के पीरियड का डेफर करके उसको जो माफ करके उसको रिफंड कराया जाए। साथ ही उद्योगपतियों के साथ ही अगर हम आम जन
के अगर हिसाब से बात करें तो आम जन को किस प्रकार राहत मिलनी चाहिए? आम जन को तभी राहत मिलेगी यदि केंद्र सरकार जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स है उस पर जीएसटी रेट कम से कम करे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, भीलवाड़ा की प्रत्यक्ष निधि अपन बात करते हैं, यहाँ करीब 10 करोड़ कपड़ा मीटर कपड़ा बनता है। अब उनकी लागत बढ़ गई कोरोना काल, कोविड-19 और कोरोना काल की वजह से गवर्नमेंट को कपड़े के उद्योग को यदि कंसेशन इंसेंटिव और सब्सिडी दी जाती है उससे पूरे हिंदुस्तान में और स्पेशली भीलवाड़ा में नियोजन के सबसे ज़्यादा विकास होगा। यदि नौकरी ज़्यादा लोगों को मिलेगी तो लोगों का जीवन स्तर ऊँचा होगा, इससे लोगों का जीवन स्तर ऊँचा होगा, गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट रूप से जीएसटी में टैक्स मिलेगा, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स मिलेगा, ये इससे जीवन स्तर ऊँचा हो सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आम जन को फायदा उठाने के लिए कम से कम गवर्नमेंट को यहाँ पर भीलवाड़ा इतना अच्छा रेवेन्यू देता है स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, यहाँ हर गली मोहल्ले में मोहल्ले चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र बनाने चाहिए जिससे कि वहाँ उनको सुलभ सुविधा मिल सके। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं उनको पीएफ का कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को कम से कम एक या दो साल तक कंट्रीब्यूट करना चाहिए जिससे कि यहाँ के उद्योगपति प्रोत्साहित हो और यहाँ के जो एम्प्लॉय है, यहाँ जो नियोजन है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत उनको बेनिफिट मिलेगा तो डेफिनेटली इनडायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट को फायदा होगा। पेट्रोल डीजल की रेट लगातार बढ़ रही है और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो क्रूड ऑयल मतलब सस्ता हो रहा है, उसके बाद भी अगर रेटें बढ़ रही है, इस पर महंगाई बढ़ने से आमजन की कमर टूट रही है, तो इससे क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए पेट्रोल डीजल आमजन के उपयोग में डे टू डे आता है, ट्रांसपोर्टेशन भी इसी के द्वारा ही चलायमान होता है। इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सब्सिडी कंसेशन इंसेंटिव देके जनता को राहत दे सकती है। जो इंटरनेशनल प्राइसिंग की बात अपन करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिसी में थोड़ा सा अमेंडमेंट करने की जरूरत है, इससे जनता को सब्सिडी इससे ज़्यादा देंगे तो 100% से यदि अपन कंपटीशन करते हैं इंटरनेशनल मार्केट से तो कम रेट में यहाँ डीजल पेट्रोल उपलब्ध हो सकता है। बिल्कुल, तो हमने भीलवाड़ा के व्यापारियों से उद्योगों से जाना कि किस किस प्रकार केंद्र सरकार आने वाले बजट में रियायत देकर आमजन को राहत दे सकती है, साथ ही जो जिस प्रकार भीलवाड़ा एशिया का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, यहाँ करोड़ रुपए का टर्नओवर कपड़े से होता है, कपड़ा उद्योग से होता है, तो उसमें भी इनको राहत मिले ताकि ये व्यापार अच्छी तरह से फलीभूत होकर यहाँ ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सके। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लाखों प्रयास के बाद भी भीलवाड़ा की औद्योगिक इकाइयों द्वारा धड़ल्ले से केमिकल युक्त काला पानी क्षेत्र की नदी नालों में छोड़ा जा रहा है, जिससे क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि बंजर होती जा रही है तथा पशुओं की अकाल मौत का कारण भी ये काला पानी अभिशाप बना हुआ है। इस काले पानी की वजह से लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़े जा रहे काले पानी ने उन स्थानों को दलदल में तब्दील कर दिया है जिसमें कई जानवर फंसकर अपने प्राण गंवा चुके हैं। बनास नदी के किनारे पर बसने वाले लोगों के हल्क में बनास का पानी नहीं उतर पा रहा है क्योंकि यह सारा काला पानी बनास नदी में बहकर बीसलपुर तक भी पहुंच रहा है। बीसलपुर का पानी जहां अजमेर व राजधानी जयपुर के बाशिंदों सहित सरकार के नुमाइंदों की प्यास भी बुझा रहा है। यही नहीं, मांडल वपुर रोड स्थित औद्योगिक इकाइयों का काला पानी भी बनास में कोठारी नदी को दूषित कर रहा है। इस कारण इन नदियों के किनारे पर बसे लोगों को साग सब्जी भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। काले पानी ने यहाँ की उपजाऊ जमीन को अपने आगोश में लेकर बंजर बना दिया है। इसी कारण किसानों की कमर टूट गई है, उनकी खेती लायक जमीन अब बंजर होकर बेकार हो चुकी है। किसी जमाने में बनास नदी के किनारे बसे मंडपिया, कल्याणपुरा, दरी, झुपड़िया व मंगरूप में बनास के पानी से खेती बाड़ी होती थी और नदी में तरबूज व ककड़ी उगाई जाती थी, लेकिन अब इन गांवों के बाशिंदे शुद्ध पानी के अभाव में तरबूज व ककड़ी का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। खेती की जमीन ही नहीं आसपास की कुओं का पानी भी दूषित हो चुका है। कई बार नदी किनारे बसे गाँव के ग्रामीणों ने प्रशासन व प्रदूषण नियंत्रण मंडल के समक्ष अपनी नाराजगी लिखित व आंदोलन कर जता चुके हैं। कई सामाजिक संगठनों ने भी एनजीटी तक अपनी आवाज उठाई लेकिन वो आवाज उद्योगपतियों के दबाव में आकर दब चुकी है। इन सबके बावजूद भी बदस्तूर काला पानी औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़ा जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल भी इन औद्योगिक इकाइयों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी महावीर मेहता ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया। वहीं मंडपिया गांव के ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा लोकवाणी को बताते हुए कहा कि काले पानी की वजह से खेती में पशुपालन नहीं कर पा रहे हैं।
भीलवाड़ा की प्राण बनास और कोठारी नदियाँ जो कभी स्वच्छ पानी को लगातार बहती थी, पिछले 10-15 सालों से भीलवाड़ा की प्रोसेस इकाइयों द्वारा लगातार जहरीला काला एसिड वाला पानी छोड़े जाने के कारण दोनों नदियों के किनारे सैकड़ों कुएं जहरीले पानी के भंडार बन गए हैं। वहीं हजारों हेक्टर भूमि बंजर होकर के खेती लायक नहीं रही। वहीं पशु पक्षी अगर इस पानी को पी ले तो गर्भ नहीं ठहरने के साथ साथ उनकी बेमौत मौत हो रही है। अनेक गांव जिसमें आमा, मंगरोब, दर्री, झोंपड़ियां, आसपास के आरजिया, पिछले दिनों आप देखिए कोटड़ी होकर के जो नदी जा रही है नंदराई तक काला पानी भरा पड़ा है। अभी कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में भी आया था। लगातार प्रदूषण नियंत्रण मंडल की घोर लापरवाही और अनदेखी के कारण ये उद्योगपति जो काला पानी छोड़ रहे हैं, जीरो डिस्चार्ज का नियम बना हुआ, यानी एक भी बूंद काला पानी नदी में या बाहर नहीं छोड़ा जा सकता, उसके बाद भी ये लगातार छोड़ रहे हैं, तो प्रदूषण नियंत्रण मंडल को कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए नियमों के तहत। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली, माननीय आदर्श कुमार जी गोयल को मैंने इस मामले को लेकर के कड़ा पत्र लिखा, एविडेंस दिए, उन्होंने नोटिस भी जारी किया पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जयपुर को। उसके बाद इन्होंने दोनों नदियों के सैंपल भी लिए और कार्रवाई का दिलासा भी दिया है, लेकिन लगातार लापरवाही होने के कारण आज भी काला पानी छोड़ा जा रहा है। तो ये घोर लापरवाही का नतीजा ये होगा कि कभी भी ये प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर तलवार लटकी हुई है। कभी भी इनके बिजली के कनेक्शन कटने के साथ साथ औद्योगिक इकाइयाँ अगर नियमों के तहत नहीं मानेगी, जीरो डिस्चार्ज नहीं करेगी, तो कभी भी इन उद्योगों पर ताला लगने की नौबत भी आ सकती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बावजूद भी भीलवाड़ा के अंदर संचालित होने वाली औद्योगिक इकाइयों से यहाँ का जो फैक्ट्रियों का जो दूषित पानी है इसको बेधड़क छोड़ा जा रहा है, और उसी की बान की हम यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ का जो पूरे झील जलाशय है पूरी तरह से काले पानी से लबरेज हो रहे हैं, और यहाँ की जो जमीन है पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। साथ ही हम यहाँ देख सकते हैं कि पूरी तरह से बंजर होकर पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी है। एनजीटी का जहाँ निर्देश है कि प्रोसेस इकाइयों से एक बूंद भी पानी बिना रिसाइकिलिंग के बाहर नहीं जाना है, लेकिन उसके बावजूद भीलवाड़ा में संचालित होने वाली औद्योगिक इकाइयों से रात दिन चोरी छुपे हजारों लीटर पानी बाहर फैक्ट्रियों से छोड़ा जा रहा है, जिससे यहाँ बहने वाली मुख्य नदियाँ चाहे कोठारी नदी हो चाहे बनास नदी हो, इससे यहाँ का पानी दूषित हो रहा है। साथ ही बनास नदी और कोठारी नदी का पानी आगे जाकर बिसलपुर डैम में मिलता है और जहाँ से पेयजल की आपूर्ति होती है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो बनास नदी के किनारे करीब 2 दर्जन गांव हैं जो जैसे कि मंगरोब, कल्याणपुरा, दर्री, झोंपड़ियाँ और पातलिया सहित कई गाँवों का पानी पीने योग्य नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर केवल फौरी कार्रवाई की जाती है। साथ ही यहाँ का जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल है उसकी मिली भगत सामने आती है, जिसकी वजह से दिन रात यहाँ काला पानी छोड़ा जाता है। हम देख सकते हैं कि इसी वजह से यहाँ के मवेशी अकाल मृत्यु के शिकार हो रहे हैं, वहीं यहाँ पीने के पानी तक के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन जो संबंधित विभाग है उनके कानों पर जूं नहीं तक नहीं रेंग रही। कई बार किसान संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बारे में आवाज़ भी उठाई है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है, और लगातार प्रोसेस इकाइयाँ जो कि चित्तौड़ रोड, मांडल रोड और पुर रोड पर जो संचालित है उनसे लगातार दूषित पानी छोड़ा जा रहा है। मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। बल्लियास में अकोला निवासी वेन चालक कहीं जा रहा था, चाय पीने के लिए होटल के पास अपनी वेन को खड़ा किया। सुबह 6 बजे वैन के अंदर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। देखते ही देखते वैन आग के लपटों में तब्दील हो गई। वैन अकोला निवासी देवीलाल की बताई जा रही है। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा वृद्धा आश्रम अपना घर में रविवार को शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर का शिविर लगाया जाएगा। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा द्वारा होम्योपैथिक अस्पताल में शिविर लगाया गया, जिसमें 65 रोगी लाभान्वित हुए। इस शिविर में बाहर के रोगी भी आए। इसमें पथरी रोग के रोगियों को निजात मिली। पथरी रोग के दवाइयों से बिना ऑपरेशन के पथरी निकालना सराहनीय कार्य है। 3 दिवसीय चर्म रोग और पंचकर्म शिविर गणेश उत्सव प्रबंध सेवा समिति और आयुर्वेदिक
और जलाई द्वारा लगाया गया है। इसमें 29, 30, 31 तारीख को ये चल रहा है। ये जनता 9 बजे से 2-3 बजे तक है, लेकिन जनता 2 बजे ही आ जाती है। चर्म रोग की तेल वगैरह दवाइयाँ सब निःशुल्क दी जा रही है। मैं भीलवाड़ा जिला वासियों से और नगर वासियों से आह्वान करता हूँ, अधिक से अधिक आकर इस पंचकर्म और चर्म रोग जीवन में आकर लाभ उठावे। जय गणेश। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोन वार और वार्ड वार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, एनजीओस, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत के नतीजे है। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है, हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है, इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वह सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृत संकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप।
इस लोगों के साथ। वेलकम टू मालू हॉस्पिटल, भीलवाड़ा बेस्ट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल। मेडिकल स्टोर विद 24/7 अवेलेबिलिटी, हाईटेक एक्सरे इक्विपमेंट्स, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आईसीयू विद हाई फैसिलिटी, कंप्यूटराइज लेबोरेटरी, वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर, हाईली क्लासिफाइड सर्जन्स, फैसिलिटेटेड फिजियोथेरेपी सेंटर, हाइजेनिक जनरल वार्ड, एयर कंडीशन्ड डिलेक्स एंड सुपर डिलेक्स रूम। A16 फ्रंट ऑफ महिला आश्रम कॉलेज, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिसर भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड MGH परिसर भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज शर्मा, प्रदेश महामंत्री राकेश पंचोली ने प्रदेश कार्यालय अंकुश पॉइंट महावीर पार्क के पास भीलवाड़ा में कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित कर एडवोकेट अनिता व्यास को भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। संयुक्त सचिव राहुल चास्टा, प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश व्यास, कश्यप चतुर्वेदी, प्रदेश संगठन मंत्री उमेश शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष मुकेश त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष मनीष पारिक, जिला उपाध्यक्ष चेतन पारिक, ओम प्रकाश पारिक, पूरणमल जोशी, शिवराज शर्मा, कमल तिवारी, विष्णु प्रसाद शर्मा, दिनेश शर्मा आदि कई पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष मनोज शर्मा गोटेवाला ने कार्यकारिणी को एक माह में गठित कर आगामी कार्यक्रम तय करने के निर्देशित किया। नवमनोनीत जिला अध्यक्ष एडवोकेट अनिता व्यास ने समस्त ब्राह्मण समाज हित में कार्य करने और महिला संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाबलास में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग की और राजस्थान सरकार के SOP के नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए अध्ययन करवाया जा रहा है। एम कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को स्माइल 2 कार्यक्रम के माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है। शनिवार को स्थानीय विद्यालय के शिक्षक सारथी प्रवीण कुमार ने जूम ऐप के माध्यम से स्माइल 2 से संबंधित अध्यापन करवाए जाने के तरीके, शिक्षक संवाद का एजेंडा, कार्य बिंदु, प्रभावशाली शिक्षण हेतु तैयारी आदि बिंदुओं पर मीटिंग में जानकारी दी एवं देवीलाल प्रजापत PEO पावलास ने शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन से स्माइल 2 की फिटिंग करने के बारे में मीटिंग में जानकारी दी। उक्त जूम ऐप के माध्यम से मीटिंग में मॉडल ब्लॉक कार्यालय से अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक मीणा का मार्गदर्शन भी ऑनलाइन प्राप्त हुआ। भीलवाड़ा सीपक टकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया के डिप्टी प्रेसिडेंट शनिवार को भीलवाड़ा पहुंचने पर स्वागत किया गया। जिला सीपक टकरा संघ के अध्यक्ष अभिजीत साड़ा ने बताया कि सीपक टकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया के डिप्टी प्रेसिडेंट TK सिंह शनिवार को भीलवाड़ा पहुंचने पर संघ द्वारा माल्यार्पण कर एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान आटिया पाटिया संघ के अध्यक्ष नंदलाल वैष्णव, रोलबॉल संघ अध्यक्ष राकेश सारस्वत, नेटबॉल संघ सचिव केसर सिंह, भगवती प्रसाद शर्मा, पुष्कर तेली, संजूबाला शर्मा, अशोक पोरवाल, किरीश बाहेती, मनीष लड्डा, डॉक्टर हिम्मत सिंह कानावत, संदीप सिंह वी, विश्वेश्वर डाट, राम राय मुंद्रा, दिनेश गुप्ता, सतीश काबरा, चेतन शर्मा व खिलाड़ी आदि उपस्थित थे। जिला सेपक टकरा संघ के सचिव कल्पना कंवर कानावत ने बताया कि हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए सेपक टकरा एसोसिएशन के इलेक्शन में गोवा के उप मुख्यमंत्री के साथ TK सिंह को भी फेडरेशन ऑफ इंडिया के डिप्टी प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया, जो पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है। 5 राज इंडेप कंपनी NCC के कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर दीपक धूपी का चयन इस वर्ष नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड हेतु हुआ है। कैडेट धोबी ने 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के साथ ही 28 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री दिल्ली की परेड को कमांड किया तथा भीलवाड़ा जिले में माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय का नाम रोशन किया। कैडेट धोबी इस महाविद्यालय के
बीकॉम तृतीय वर्ष का छात्र है। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट संजय कोतारा व सीटीओ अमन जैन ने बताया कि कठिनतम चयन प्रक्रियाओं से गुजरकर कैडेट्स का चयन गणतंत्र दिवस कैंप के लिए होता है। पीएम रैली में कैडेट्स प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री को सलामी देते हैं। यूनिट के कमान अधिकारी कर्नल एएस बरियावल ने बताया कि गणतंत्र दिवस कैंप नई दिल्ली में शामिल होना प्रत्येक एनसीसी कैडेट का सपना होता है। इस कैंप में देश के लगभग 250 कैडेट्स चुने गए थे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ केसीम पंचोली ने कैडेट को बधाई दी व उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह महाविद्यालय के लिए बहुत ही गर्व की बात है। पिछले 3-4 वर्षों से हमारे एनसीसी कैडेट्स का लगातार चयन हो रहा है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रांत व्यापी आह्वान पर ग्राम विकास अधिकारियों ने शनिवार से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। संघ की शाहपुरा शाखा के अध्यक्ष मिशीलाल कोहली, मंत्री यूसुफ मोहम्मद व जिला प्रतिनिधि सूरजकरण लड्ढा की अगुवाई में शाहपुरा में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप गुर्जर व जिला कांग्रेस महामंत्री रामेश्वर लाल सोलंकी को मांग पत्र दिया गया। अध्यक्ष कोहली ने बताया कि प्रांत व्यापी आह्वान पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राज्य सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को पूरा कराने के लिए ज्ञापन मांग पत्र के रूप में दिया गया। इसमें ग्राम विकास अधिकारी समवर्ग की वेतन विसंगति को दूर करने, रिक्त पदों पर भर्ती करने, समयबद्ध पदोन्नति व मांग पत्र की अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि संघ की ओर से पिछले 2 वर्षों से इस दिशा में प्रयास किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि आज से प्रारंभ किए गए सत्याग्रह आंदोलन में हम ना ही तो जनता का कार्य बाधित करेंगे और ना ही सरकार का काम रोकेंगे। हम अवकाश के दिन 1051 सत्याग्रह यज्ञ का आयोजन कर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की साध्वी अरहमव्रता मारासा आदि थाना 3 विजयनगर में चातुर्मास संपन्न कर विभिन्न कस्बों में धर्म प्रभावना करते हुए शनिवार को श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां साध्वी श्री ने पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन वंदन किए। इसके पश्चात साध्वी श्री ने धर्म चर्चा करते हुए बताया कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ऐसे चिंतामणि रत्न सम्मान मनुष्य जन्म को पाकर अप्रमत्त बनकर धर्म की आराधना करें, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो एवं मनुष्य जन्म सफल बने। धर्म चर्चा के दौरान संघ मंत्री विनोद बम्ब, ख्यानमल सुराणा, अरुण कोठारी, खिसालाल डांगी, भगवंत सिंह कोठारी, अनिल गुगलिया, तेजपाल कोठारी, शशि बम्ब आदि उपस्थित थे। जाजपुर के इटुंडा ग्राम पंचायत के लुहारी मोड़ पर बड़े बड़े खड्डे हो रहे थे, जिससे आने जाने में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ये बात ग्रामीणों ने सरपंच तक पहुंचाई। उसी समय सरपंच अनु सिंह मीणा ने गंभीरता से लेकर वार्डपंच तिलोक मीणा, पंचायत सहायक शैतान मीणा, प्रमेश पत्रिया, चिराग गुजर, पारस चैन एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय के स्टाफ सहित कई ग्रामवासियों की मौजूदगी में कौरव पथ पर पड़े खड्डों को ग्रेवल से भरवाकर जेसीबी से समतल करवाकर सही करवाया, जिससे आमजन को राहत प्रदान हुई। साथ ही पास में जाम हुए नाले को जेसीबी की सहायता से नाले की सफाई करवाकर नाले को दुरुस्त करवाया गया, जिसकी ग्रामवासियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।